हम अभी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं शालाक्य तंत्र। शालाक्य तंत्र की डेफिनेशन सुश्रुताचार्य ने क्या बोली है, शालक्यम नाम ऊर्ध जत्रुगता नाम श्रवण नयन वदन घ्राण आदि संश्रिता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम। अर्थात ऊर्ध जत्रुगत जितने भी रोग हैं, अर्थात श्रवण कान से रिलेटेड, नयन मतलब नाक, श्रवण नयन वदन मुख घ्राण नासिका, इनमें जो भी आश्रित जो भी व्याधियां हैं उनके कारण क्यों हुए, उनके उपशमन आदि का उल्लेख जिस शास्त्र में है उसे हम क्या कहते हैं, शालाक्य तंत्र। और मॉडर्न आजकल इसको क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी एंड ईएनटी, यानी ईयर नोज और थ्रोट। ठीक है, अब शालक्य में सबसे पहले हमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनका पता होना चाहिए। जैसे बोला जाता है कि जो नेत्र मंडल है वो हमारे पांच होते हैं, सुश्रुताचार्य ने बोला कि जो नेत्र मंडल है वो हमारे पांच होते हैं। नेत्र मंडल मतलब क्या, पहला होता है पक्ष्म मंडल। पक्ष्म किसके लिए यूज होता है, आई लैशेज के लिए, जो हमारी आई लैशेज है एक तो वो मंडल होता है। वर्त्म यानी हमारी आईलिड्स जो होती है उनको बोलते हैं वर्त्म। श्वेत यानी जो हमारा व्हाइट वाला पार्ट है आंख का वो हमारा श्वेत मंडल है यानी कंजक्टाइवल सैक। कृष्ण मंडल जो ब्लैक वाला पार्ट है यानी हमारा कॉर्निया। दृष्टि मंडल जो है हमारा प्यूपिल। पांच मंडल हो गए, पक्षम वर्तम श्वेत कृष्ण और दृष्टि। ठीक है, वाग्भट ने जो है वो सुश्रुत की जगह चार मंडल माने, मतलब उन्होंने पक्षम को नहीं माना, जो उन्होंने पक्षम को ना मान के वर्तम श्वेत कृष्ण और दृष्टि को माना है। ठीक है, अब आती है नेत्र में संधियां कितनी होती हैं, छह। ये जो मंडल है इनकी आपस में संधियां जैसे कि पक्षम और वर्तम संधि, आई लैशेज से आई लिड जुड़ी हुई है, दोनों जुड़े हुए हैं, तो पक्षम वर्तम संधि, वर्तम शुक्ल संधि, शुक्ल कृष्ण संधि, कृष्ण दृष्टि संधि, और दो को गई कनिनक और अपांग। कनिनक क्या होता है, जो हमारा मीडियल के अंतर है, जैसे कि ये हमारी आंख है। ठीक है, ये नोज वाला पार्ट है, तो जो ये पार्ट है ये हमारा इनर, इसको हम बोलते हैं मीडियल कैंथस, यानी ये हमारा क्या हो गया, कनिनक। ठीक है, और जो ये है ये लेटरल वाला पार्ट, ये हमारा क्या हो गया, अपांग। ठीक है, इन कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे करते हैं। हम जो हमारे जो भी व्याधियां बताई गई हैं शालक्य में उनका वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नेत्र रोग हमने पढ़ने हैं, कर्ण नासा मुख शिर के और कपाल के। ठीक है, आचार्य चरक ने नेत्र रोग, कहीं रेफरेंस आता है 4 का, कहीं 96 का। ठीक है, सुश्रुत आचार्य ने बोले हैं 76 और वाग्भट ने बोले हैं 94। ठीक है, आपको सुश्रुत और वाग्भट डेफिनेटली याद होने चाहिए, चरक भी याद करना है बट ये याद करना जरूरी है। कर्ण रोग बोले हैं 4 और सुश्रुत ने 28 और वाग्भट ने 25। नासा रोग का कहीं ऐसे सच रेफरेंस नहीं है कि कितने हैं, सुश्रुत ने 31 बोले हैं और वाग्भट ने 18। मुख रोग 4 और 64 बोले हैं चरक ने, सुश्रुत ने 65 और वाग्भट ने 75। शिर रोग चरक ने 5, सुश्रुत ने 11 और वाग्भट ने 10। इसके अलावा कपालगत रोगों का ना चरक ने वर्णन किया ना सुश्रुत ने, लेकिन वाग्भट ने शिरोरोग के अंदर ये शिरोरोग 10 बता के उसके अलावा 9 कपालगत रोग भी बोले हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वाग्भट के अनुसार जो ऊर्ध जत्रुगत रोग है वो कितने हैं, तो 231। ठीक है, टोटल जो है। अब जो है हमारे नेत्र रोग है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं नेत्र रोगों का वर्गीकरण, मतलब हम ऑप्थेल्मोलॉजी का टॉपिक एक पढ़ते हैं कि नेत्र रोगों का वर्गीकरण बताते हैं। तो नेत्र रोगों का वर्गीकरण यानी नेत्र रोग कितने बताए गए हैं, 76। ठीक है, तो सबसे पहले इनका वर्गीकरण दोष अनुसार यानी दोष के अनुसार, वात पित्त कफ रक्त सन्निपातज और बाह्य। वातज जो नेत्र रोग है इन 76 में से 10 होते हैं, पित्तज 10, कफज 13, रक्तज 16, सन्निपातज 25 और बाह्य होते हैं 2। ठीक है, अब साध्यता असाध्यता के अनुसार साध्य होते हैं 52, इन 76 में से 52 साध्य हैं, 7 याप्य और 17 होते हैं असाध्य। तो जो वातज 10 हैं उनमें से 5 साध्य हैं, 1 याप्य और 4 असाध्य। मतलब मैंने
ये जो क्लासिफिकेशन है इसके भी साध्य कौन है या पे साध्य कितने है उसके अकॉर्डिंग बना दिया है 5, 1, 4। इसी तरह पित्तज के 6 साध्य, 2 याप्य, 2 असाध्य। कफज के 11 साध्य, 1 याप्य, 1 असाध्य। रक्तज के 11, 1, 4 और 19, 2, 4 है। सन्निपातज का बाह्य 2 ये असाध्य ही है। ठीक है, अब आते हैं आश्य अनुसार। आश्य अनुसार मतलब संधि में कितने रोग हो रहे हैं, तो 9। वर्तम यानी हमारी आईलिड वाले कितने लिड में कौन से हो रहे हैं, 21। शुक्ल जो व्हाइट पार्ट है उसमें हो रहे हैं 11। कृष्ण जो ब्लैक वाला पोर्शन है उसमें होते हैं 4। सर्वगत 17 और दृष्टि के हैं 12 और बाह्य 2 तो है ही है, ये अलग ही है सभी नेत्र रोगों से। ठीक है, अब आते हैं हम चिकित्सा अनुसार। चिकित्सा अनुसार मतलब छेद्य। छेदन क्या होता है, एक्सीजन करना। ठीक है, एक्सीजन मतलब किसी चीज को कट करके उसको बाहर निकाल देना। ये चिकित्सा 11 रोगों में की जाएगी, जो नेत्र के 76 है ना उनके 11 में छेद्य रोग है। लेख्य मतलब जो हम स्क्रैपिंग करते हैं, खुरचना जिसे बोलते हैं उसको बोलते हैं स्क्रैपिंग, ये है 9। भेद्य जिनमें हम इंसीजन देते हैं वो है 5। वेद्य जिनमें पंचरिंग लगा ले या फिर जो हमारा रक्त मोक्षण टाइप का है जो वेद्य है वो 15 है। अशस्त्रकृत जिनमें कोई इस तरह का शस्त्रकर्म नहीं करना, मेडिसिन से जो ट्रीट करनी है वो है 12। यानी इन 52 साध्य की क्लासिफिकेशन क्या है कि इनमें से 11 छेद्य, लेख्य 9, भेद्य 5, वेद्य 15 और अशस्त्रकृत 12 है। 7 याप्य और 17 असाध्य। इस प्रकार जो ये हमारी होती है नेत्र रोगों का